सुबह सपा की सावधान यात्रा आज सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में जिले में पहुंची इस यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बांसी तहसील के बडहर घाट पर एक जनसभा को ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित किया। राजभर ने लोगों के अंदर पार्टी के प्रति वफादार रहते हुए ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की अपील की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों को सावधान करने आए हैं, सबको सावधान कर रहे हैं, उनको उनके हक के प्रति अब लोगों को अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी, कोई नेता उनका भला करने नहीं आएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी तो पैदल हो गई है, चच्चा और बच्चा दोनों गए। सुबह सपा के संगठन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर गोलमोल जवाब देते नजर आए। देखिए, आज़ादी के 75 साल हो गए, 75 साल की आज़ादी में इस देश की जनता नेताओं द्वारा ठगी जा रही है, और आज उठा करके आप देखिए, प्रदेश में 1931 के बाद जातिवाद जनगणना नहीं हुई। आज देश में जरूरत है एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की। 7 दशक बीत गए, सदन से लेकर सड़क तक कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू हो जाए। आज RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने वाले उद्योगपतियों के कर्जे अगर माफ हो सकते हैं तो इन गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। इनको जागरूक करें कि आप अपने लिए लड़ो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको वोट का पावर दिया है, इसी वोट से आप चाहो तो पुल बना लो, आप चाहो तो लखनऊ दिल्ली के कुर्सी पर कब्जा कर लो, आप चाहो, आप भी दुखी हो। आज पत्रकार आयोग के सवाल पर जब सदन में ओम प्रकाश राजभर बोलता है तो कोई नेता इस पे साथ देने को तैयार नहीं। आज प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा, आज आपके घर का भी हमारे घर का भी नौजवान पढ़ लिख के बेकार होता जा रहा है, बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए कोई ठोस उपाय सरकार के पास नहीं है। अगर कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा ही लागू कर दिया जाए, 100 विषय बना दिए जाए, कलम बनाना, घड़ी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोटरसाइकिल, पंखा, मोबाइल, इस तरह के सिस्टम बना दिए जाए, 1 विषय कक्षा 4 से अनिवार्य कर दिया जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।